मजदूर कहाँ से आए? अब बताइए, अच्छा ये टॉपिक है उद्योगीकरण में। अच्छा इसमें ये पढ़ा है कि जब इंडिया में उद्योगीकरण आया तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये सामने आई बेटा कि इंडिया की बात कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे यूरोप की बात हुई, यूरोप में उद्योगीकरण आया और उन्होंने उद्योगीकरण को फैलाने के लिए वहाँ के जो व्यापारी थे वो गाँव गए। शहरों में तो गिल्ड्स थे और गिल्ड्स जो थे वो व्यापार को होने नहीं दे रहे थे, तो वो कहाँ गए? उन्हें मजबूरन गांव में जाकर काम करना पड़ गया। ऐसा नो तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक है बेटा, फिर यहाँ तक के लिए होती है बात। फिर कहते हैं मजदूर, फिर इंग्लैंड, क्या बोला मैंने? रेवोल्यूशन, हाँ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति है ना, यहाँ रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नहीं उद्योग धंधे आए। एक्चुअली क्या हुआ, पहले इंग्लैंड वालों ने क्या किया, माल बनाया उसको पूरी दुनिया में बेचने के लिए, और उन्होंने क्या किया अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या किया, फिर उन्होंने शहरों में तो काम नहीं कर सकते थे वो व्यापारी, काम गए गाँव में क्योंकि शहरों में गिल्ड्स थे वहाँ पर यूरोप में, तो जिसके कारण मजदूरों ने गाँव में जाकर काम करना पड़ा, ये था। उसके बाद करते हैं क्या हुआ एवोल्यूशन, फिर क्या होता है, फिर उन्हें गाँव में जाना पड़ा, हाँ सब समझ गए है ना, गांव में जाकर उन्होंने काम किया। ठीक है सर, अब बाहर बैठ जाना सर, ठीक है बाहर वाले कमरे, ठीक है हाँ बेटा। तो ये सारी बातें होती हैं, यहाँ तक समझ आ रही है, बताओ ना बेटा, ये तो होता गया। अब फिर बात करते हैं मजदूर कहाँ से आए, है ना, अब बात करते हैं इंडिया आ गए, फिर इंडिया में उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई, देश में ट्रेड करने आए थे 1600 ईस्वी में, व्यापार करने आए थे, और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बनाई, अपनी कॉलोनियाँ, कॉलोनी मतलब हम भारत को गुलाम बना लिया और यहाँ पे व्यापार करना आरंभ कर दिया, चालू कर दिया भारत को गुलाम बनाकर, नहीं समझ मेरी बात? और क्योंकि फिर उन्होंने क्या किया, जो भारत के व्यापारी थे उनसे काम धंधा छीन लिया, उनको मजबूरन क्या कर दिया, कौन पढ़ाता था तुम्हें, दीदी पढ़ाएगी ना तुम्हें, हाँ अभी दीदी को आने दो, हाँ बात समझ आ रहा है, फिर उन्होंने क्या कर लिया, हाँ तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देश को हमारे गुलाम बनाया, गुलाम बना के जितना भी ट्रेड था भारत का व्यापारी उनको ख़त्म कर दिया, और फिर कहाँ क्या किया, सारा ट्रेड पर अपना कब्जा कर लिया, उन्होंने कर तक लगा दी कि अगर कहीं दूसरे कहीं से और ट्रेड करेगा, कहीं दूसरे लोगों से करेगा है ना, व्यापार करेगा तो उस पर इतना कर लगाया जाएगा, हमें सारा माल दो, हमारी कंपनी को दो, मैनचेस्टर याद है, इंग्लैंड में एक कंपनी थी मैनचेस्टर, कपड़े का काम करती थी, तो उन्होंने उनको उन लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लोगों से कहा कि सारा हमें माल चाहिए, तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इंडिया में क्या बनाया, गुमास्तो, गुमास्तो काम था एडवांस पेमेंट कर दिया करते थे, एडवांस पैसा दे दिया करते थे और उस एडवांस से लोग काम करते थे इंडिया में, भारत में, मान लो उन्होंने एडवांस पैसा दे दिया और उससे एडवांस क्या काम करना चालू किया, फिर क्या हुआ, लोगों को मजबूरन उनको एडवांस में उनके लिए माल बनाया करते थे, और कोई किसी इतना जितना ही माल हुआ करता था वो अंग्रेज सारा ले लिया करते थे, और उनके पास कोई बचता नहीं था फिर, है ना, बुनकर पैसे देते थे लेकिन बहुत सस्ते पे काम कराते थे, और बुनकर क्या हुए, इंडिया में बुनकर थे जो बनाते थे कपड़ा, वो महंगा पड़ने लगा क्योंकि अब मैनचेस्टर सस्ते रेट पर कपड़ा बन के आने लगा, और लोग क्या करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार गांधी जी ने कहा था, इंडियन लोग बुनकर बेरोजगार हो गए, तो फिर क्या बन गए, उनको फिर मजबूरी करनी पड़ी, कहाँ पर, उनके खेतों में, किनके, ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के, जो बुनकर थे वो क्या करते, तो लेबर बनेंगे, मजदूरी तो बनेंगे, या फैक्ट्री में काम करेंगे उनकी या खेतों में, ये सुनो। तो अब बात करते हैं मजदूर कहाँ से आए, ये टॉपिक है, दिखाई दे रहा, जल्दी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मजदूर कहाँ से आए, अच्छा फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे, फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, मिल गया, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, 1940 तक वह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी, ये मजदूर कहाँ से आए, मतलब जहाँ 5,84,000 थे वो 24,36,000 कैसे हो गए, मतलब इतने सारे हो गए कहाँ से आए, कहीं से तो आए होंगे ना, ये देखते हैं, ज़्यादा औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, कहाँ से आते थे, आसपास के जिलों से आते थे, जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे, है ना, जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे, मतलब वो कहाँ जाते थे, औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे, ठीक है ना,
यानी किनको, जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते, यानी उन लोगों को जहाँ गाँव में काम नहीं कर रहा तो मजदूरों ने कहाँ जाना पड़ता था, शहरों में। ठीक है, 1911 में बम्बई से सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे, यानी बम्बई में पास के जिला था रत्नागिरी, वहाँ से काम करने आए थे। ठीक है, आगे बताओ। ठीक है, आए थे। ठीक है, कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गाँव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाँव जाते रहते थे, वे फसलों की कटाई व त्यौहार के समय गाँव लौट जाते थे। और ये मजदूर थे, जब फसल काटी जाती थी तो वो अपने गांव में, है ना, समय गांव लौट जाते थे। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। और जब नए कामों की खबर फैली तो कहाँ से आने लगे, दूर दूर से भी लोग आने लगे। ये सुनो, अब क्या हुआ, बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग काम की तलाश में आने लगे। उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई के कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग आसपास से कहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ जाते समय चेयर वहाँ रख देना, ठीक है, स्टूल रख के जाना वहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है, नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था, हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। नहीं समझे, नौकरी पाना मुश्किल था, है ना, क्या हो रही थी, बोलो ना, हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। जो रोजगार चाहना चाहते थे उनकी संख्या हमेशा रोजगार के मुकाबले ज्यादा रहती थी। तो क्या बात कर रहे थे, नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था, हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ी रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मतलब रोजगार कम था, चाहने वाले ज्यादा थे, तो क्या होगा, शोषण होगा, जो सस्ते पे काम करेगा उसको काम मिलेगा। ये सुनो, मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, वह अपने गाँव से लोगों को लाता था, उन्हें काम पर का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। एक जॉबर नाम का बंदा था, कौन था, जॉबर, जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, वे अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। हाँ जी, हाँ बेटा सुनो, आपको अंदर, सबसे अंदर जो सर बैठे हैं सबसे अंदर वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था, मिल गया, जॉबर क्या बन गया था, हाँ, इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगे, और फिर जॉबर ने क्या किया, उन्होंने कहा मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे। अब वो क्या कहने लगे, हमें पैसा दो, हमें तोहफा दो, यानी पहले तो मदद करते थे, बाद में आरामखोर हो गए। अब कह रहेगा भाई ऐसे नौकरी नहीं दिलाएंगे, चाहिए तो पहले वो पैसे नहीं देते, पहले ऐसे ही करते हैं, वही करा रहे हैं मतलब तुम्हारी, अब क्या करें, पैसे को तब करेंगे मतलब। ठीक है, अच्छा, और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूर की संख्या बढ़ने लगी, और फैक्ट्री के जो मजदूर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना, समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था, और बढ़ने तो लगी लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत, किनका, फैक्ट्री अलग जरूर है लेकिन अभी भी काम हाथों से ही हो रहा था, ये कहना चाह रहे हैं। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या, है ना, समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, जो फैक्ट्री में मजदूर हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था, यानी इतना काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, औद्योगिक विकास का अनूठापन देख रहे हो, औरतें को भी काम करा रहे हैं अहमदाबाद में, देख रहे हो, कपड़ा मिले बहुत है अहमदाबाद में, गुजरात में, याद है, अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी, स्पेशली उन्हें कहाँ लगाते थे, वो कताई विभाग में, ठीक है, समझे, आ रही है, जा रही है, हैं, आ रही है ना, जानी चाहिए बेटा। औद्योगिक विकास का अनूठापन, अब औद्योगिक विकास हुआ उसका अनूठापन मतलब कहना चाह रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है, देखते हैं। अच्छा, भारत में औद्योगिक उत्पादन का वचन रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी।
जो भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वचन रखने वाली यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी, मतलब कुछ स्पेशल उत्पाद कोई पहले वो बच्चा नहीं लाया छोटा वाला तो क्यों गया था उसके घर पे गया था। भारत में औद्योगिक उत्पादन का बचत रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी, मतलब कुछ स्पेशल उत्पाद ही पैदा कर रहे थे। उन्होंने उपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए। उन्होंने अपने सरकार से जमीन ली और चाय और कॉफी के क्या लगाए, चाय कॉफी के बागान लगाए और खनन नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। किस किस में, खनन नील, खनन मतलब जमीन से निकालना है ना, और नील में व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इसमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनका जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। किसके लिए निर्यात, मतलब इसलिए आ रहे थे कि उनको बाहर बेचा जा सके, बिक्री के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए आवश्यकता थी, है ना। यानी वो चीज़ें इसलिए आई कि उनको बाहर बेचा जाए, नहीं समझे। औद्योगिक विकास तो हुआ जिनमें कि बोले चाय की लगी है ना, सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बगान लगाए और खनन नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी, मतलब वो जो चीज़ें उगा रहे थे वो स्पेशली भारत के लिए नहीं कर रहे थे, उनका उद्देश्य था इनको बाहर बेचना। ये सुन लो, समझा, उनका पहले से एजेंडा था कि इनको बाहर जाकर बेचना है, यानी भारत के लिए नहीं बल्कि बाहर इनको जाकर शेयर मार्केट में करना है। यहाँ तक आ रही जा रही है, गुड। सो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा। तो ज़्यादातर वो माल जो पैदा कर रहे थे वो इंडिया के लिए नहीं हो रहा था, वो बाहर जाकर मार्केट में सेल होने के लिए पैदा, इंडिया में ये नहीं कि इंडिया के लोगों के लिए कर रहे, सोचो वो इंडिया के लोगों के लिए पैदा नहीं कर रहे थे उस माल को, वो किसके लिए कर रहे थे, जिससे उसको बाहर जाके मार्केट में बेचा जा सके। अंडरस्टूड यहाँ तक, ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में आई थी सबसे पहले, फिर और कंपनी आने लगी उनकी। पहला जो व्यापार भारत में स्टार्ट किया था 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में आकर व्यापार किया, लेकिन उद्देश्य क्या था, देश को गुलाम बनाना। पहले तो खरीद रहे थे, फिर फ्री में लगने लगे, जब कब्जा कर ले तो फ्री में ही है सारा, है ना। 19वीं सदी के आखिर में जब आगे बढ़े, 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। हाँ आ गया, 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, मतलब उनका जो धागा था इतना अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तब तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई में मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन के निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेश आंदोलन को गति मिलने के से राष्ट्रवादियों ने लोगों के विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कहा अंग्रेजी कपड़े को हम नहीं पहनेंगे। ये सुनो, औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। आयात शुल्क उन्होंने समूह है ना, अब के औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने, मतलब जो चीज़ बाहर से खरीदी जा रही है उस पर टैक्स लगाओ जिससे लोग बाहर से ना खरीदें, है ना, और तथा अन्य रियायतों देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। सरकार पर दबाव डाला कि और रियायतें देनी चाहिए, ठीक है, है ना। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। क्या चीन भेजे जाने वाले, जो चाइना में भारतीय धागा भेजा जा रहा था उसमें भी कमी आने लगी, क्योंकि अब वो सारा धागा इंडिया में यूज हो जा रहा था, है ना। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए, है ना। चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए, फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। और भारत के उद्योगपति क्या बनाने लगे, अब कपड़ा, है ना। अच्छा, 1900 से 1912 के भारत में है सूती कपड़े का उत्पाद दोगुना हो गया। अंडरलाइन करो, 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़ा का कपड़े का उत्पाद दोगुना हो गया। कितना हो गया, कितना, 1900 से 1912 के भारत में
सूती कपड़े का उत्पाद कितना हो गया? दो गुना हो गया। कितना हो गया? दो गुना हो गया, ठीक है, डबल। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पाद में व्यस्त थे। अच्छा, इसलिए भारत मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। पहले विश्व युद्ध तक, एक क्वेश्चन भी आता पता है, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पाद में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। यानी अब युद्ध होने लगा तो इसलिए वो लड़ाई झगड़े में लगे रहे, और जो मैनचेस्टर से भारत में कपड़ा आ रहा था, आयात हो रहा था, वो बंद हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा, इंडिया में खुद बनवाएंगे कपड़ा। भारतीय बाजारों का आपको रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। देख रहे हो, सामान बनने लगे, नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, और हर एक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। यानी औद्योगिक जब युद्ध हुआ है ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 टू 1918 में चला, 4 साल तक चला था, अपने 1400 से 1918। तब क्या हुआ, मैनचेस्टर जो से कपड़ा आया तो रहा था वो बंद हो गया। अब इंडिया में खुद उसको काम पे लग गए, यानी कहने का मतलब इंडिया में उन चीज़ों को खुद बनाया जाने लगा, युद्ध संबंधी सामग्री बनाई जाने लगी। तो कहीं ना कहीं भारत में व्यापार यानी औद्योगिकरण में भारत में सफलता प्राप्त हुई, यानी भारत में औद्योगिकरण बढ़ने लगा। यानी पहले के हिसाब से ज़्यादा कि पहले से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होने लगा, व्यवसाय होने लगा, क्योंकि जो माल पहले बनकर आता था वो बनाया जाने लगा। यानी यहाँ पर और फैक्ट्रियाँ लगाई, ये समझे। यानी औद्योगिकरण से कहीं ना कहीं भारत को जो तेजी आई औद्योगिकरण में भारत में, वो कब आई, जब वहाँ पर युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने कहा इतना टाइम लगेगा माल को ले जाने में, एक काम करो वहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल जाता था बन के आता था। उन्होंने कहा अब एक काम करो वहीं बनाओ, बस में आ रहा है। युद्ध के बाद भारतीय बाजार मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई, और युद्ध होने के बाद इतना बढ़िया उनको बाजार नहीं मिला जो पहले था। यानी पहले उनका अच्छा मार्केट थी, अब लोग इंडिया से खरीदने लगे। उन्होंने कहा यहीं बन रहा है, यहीं से खरीदो, क्यों बाहर से खरीदो। तो फिर मैनचेस्टर फिर इंडिया में बेचने आया वो कंपनी, वो इतनी नहीं चली गया युद्ध के बाद, है ना। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण ना कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और भी बहुत सी कंपनियाँ आ गई, पहले तो इन्हीं की आ रही थी, फिर अमेरिका भी आ गई, जापान भी आ गई, है ना, जर्मनी भी आ गई, काफ़ी कंपनियां आ गई जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था, और ब्रिटेन से होने वाली सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई, है ना। अब ब्रिटेन से जो सूती कपड़ा आ रहा था वो भी कम हो गया, क्योंकि इंडिया में बनने लगा और भी कंपटीशन आ गया। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर, जहाँ जहाँ उपनिवेश थे, समझे, उपनिवेश मतलब जो देश गुलाम बने थे, है ना, उसे कहते हैं उपनिवेश अंग्रेजों का, यानी कॉलोनी। अंग्रेजों ने जिन देशों को गुलाम बनाया था वो कॉलोनी कहलाती थी, उनके उपनिवेश कहलाते थे। तो ये कह रहे हैं उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर, तो जहाँ पर वो विदेशी उत्पाद थे उनको हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया, और उन लोगों ने क्या किया, घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। यानी जो स्थानीय उद्योगपति थे वो फिर से अपने आप को रिकवर कर पाए, यानी जहाँ उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया था, है ना, स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया, यानी फिर से अपने आप की अपनी मजबूती बना ली। मजबूती कितने खराब कर दी थी पहले अंग्रेजों ने, फिर जब युद्ध हुआ तो वो वहाँ पे लग गए, उन्होंने ध्यान उनका कम हो गया, तो फिर क्या हुआ, फिर इंडिया के जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया, और दूसरे भी आ गए फिर ट्रेडर, जापान, अमेरिका, चाइना आने गए बड़े, ये आपको कमजोर हो जाता है, ठीक है। जर्मनी भी आ गई, बोल रहे थे यहाँ तक होता है। कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, एक तो क्वेश्चन ही वाला करो, अच्छा है। आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिल गया बेटा। इसका मतलब होता है जो पहले उद्योग होता था ना, मशीनों के बजाय किससे हो रहा था उस समय, हाथों से उत्पाद हो रहा था, है ना, तो उसको आदि औद्योगिकरण बोला गया। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। यानी जो फैक्ट्री में नहीं हो रहा था उसे आदि औद्योगिकरण का नाम
दिया गया। अच्छा अगला क्वेश्चन था व्यापारी गिल्ड्स बताए थे मैंने, इंग्लैंड में गिल्ड्स थे याद है आपको, याद है इंग्लैंड में गिल्ड्स थे है ना, व्यापारी गिल्ड्स मिल गया। तो फिर भी यहाँ पे मिटा मिटा लग रहा है, फिर समझने की कोशिश करो, ये लिखा हुआ है व्यापारी गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या होते थे ठीक है, हमें पता है गिल्ड्स जो थे बेटा वो उनके पास मोनोपोली थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, मतलब सरकार ने अपने अधिकारी बना रखे थे मान लो, और उनका काम था शहर में किसी को व्यापार ना करने, यानी शहर में सिर्फ वही करेंगे और दूसरा नहीं करेगा, अगर दूसरा करेगा तो उनको पकड़ के मारेंगे। तो इसलिए इंग्लैंड में गिल्ड्स के होने के कारण, समझ आ रहा है ये सारी बातें ठीक है ना, मैंने कहा व्यापारिक गिल्ड्स क्या होते थे, व्यापारिक गिल्ड उत्पादकों के संगठक संगठन होते थे, इससे जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारित करते थे, और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे, यानी कोई नया बंदा बिजनेस ना करने लगे शहरों में उनको रोकते थे, और उत्पादों पर नियंत्रण रखते थे है ना, और उनको कारीगरों को प्रशिक्षण भी देते थे, ये वाला भी ठीक है। एक वाला क्वेश्चन करो है ना, फिर कपड़ा बुनकर किन दो समस्याओं का सामना कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन देखो, उनका निर्यात बाजार गिर गया था, स्थानीय बाजार सिकुड़ गया था, स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयात कपड़ों की भरमार थी, ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, 1854 में बताया था मैंने याद है। अच्छा भारत में पहला पटसन मिल कब लगा, भारत में पहला पटसन मिल बंगाल प्रांत में 1855 में लगा, तथा दूसरा 7 वर्ष के पश्चात 1862 में प्रारंभ हुआ, मिल गया देखो, भारत में पहला पटसन मिल बंगाल प्रांत में 1855 में लगा, तथा दूसरा 7 वर्ष के पश्चात 1862 में प्रारंभ हुआ, ये वाला भूल गया। भारत के उद्यमियों अथवा उद्योगपतियों के नाम लिखें, जैसे मैं बताया था द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद जी तथा जी डी मिर्ला, बम्बई में दिनशाह पैटेट तथा जमशेद जी, नौसरवान जी टाटा, याद है मैं बताया था। अच्छा इनके नाम से एक शहर भी है जमशेदपुर जो बिहार में, याद है, ये वाला भी क्वेश्चन कर लो। यूरोपीय एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण कैसे किया, ये वाला क्वेश्चन। यूरोपियन एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी, ज्यादातर मिलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, तथा निवेश एवं व्यवसाय संबंधी फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी, मिल गया। यूरोपियन एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण कैसे किया, मिल गया। यूरोपीय एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, क्या करती थी, अंग्रेजों की जो एजेंसियां थी मतलब उनकी कंपनियां थी, वो पूंजी लगाती थी मनी कैपिटल। अच्छा संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी मिलकर, कुछ भारत के होते थे बताया था मैंने, कुछ भारत के यानी पैसा लगाती थी, ये नहीं पूरा अपना पैसा लगाती, संयुक्त उद्यम कंपनियां मतलब है मिलजुल कर, कुछ भारत के थे कुछ उनके थे, और उनका प्रबंधन संभालती थी, ज्यादातर मामले भारतीय वित्त पोषक फाइनेंस सीज पूंजी उपलब्ध कराते थे, तथा निवेश एवं व्यवसाय संबंधी फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी, हमें बताया था कि लेकिन फैसले किसके हाथ में थे लेना, यूरोपियन कंपनियों के हाथ में, पैसा इंडियन लगाते थे और फैसले वो लेते थे क्या करना क्या नहीं करना है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, टेक केयर।